तो लास्ट क्लास में हमने दो प्रकार के फॉर्मूले निकाले थे, ठीक है। दो प्रकार के पार्टिकल के बारे में हमने फॉर्मूले निकाले थे, एक तो नॉन रिलेटिविस्टिक और एक रिलेटिविस्टिक। मतलब जो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है उसके लिए दो प्रकार के पार्टिकल, एक तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल और एक कौन सा नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, जैसे कि अनापेक्षी और सापेक्षी पार्टिकल भी कहते हैं, उन कणों के लिए जो वेवलेंथ निकाली थी उसका समीकरण क्या था। एक तो सबसे पहले कौन सा पार्टिकल, अना पेक्षीय कण, जिसे हम क्या कहते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। उसके लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो हमने सूत्र निकाला था उसका मान क्या था, उसके लिए इसका मान जो आया था वो क्या था, लैम्ब्डा बराबर एच अपॉन रूट टू एम इंटू के या फिर ई के, ये इक्वेशन नंबर एक, ठीक है। इसी प्रकार से सापेक्षिक पार्टिकल या अपेक्षिक पार्टिकल जिसे कि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कहते हैं, इसकी वेलोसिटी लेस देन सी थी। अपेक्षिक कण या फिर जिसे हम कैसा पार्टिकल बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी क्या होती है, लगभग सी के बराबर होती है, सी नहीं होती पर लगभग सी के बराबर, सी के इक्विवेलेंट होती है, तो उस कंडीशन में लैम्ब्डा का मान हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, रूट टू के कोष्टक में के प्लस टू एम नॉट सी से, ठीक है। इन दो फॉर्मूलों के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि इन दो फॉर्मूलों का यूज हम करते हैं। अब हमें यह पता करना है कि जो ये दो फॉर्मूले, ये जो हमने दो फॉर्मूले लिखे थे, इन फॉर्मूलों का कौन सी कंडीशन में यूज किया जाता है, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन हो जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन दो फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं, वो कंडीशन भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि जो इनकी यूज, इन दो फॉर्मूलों का कौन सी कंडीशन में यूज होता है, उसमें जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि जब भी हम कोई भी ऐसा पार्टिकल ले, कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसकी क्या हो, कोई भी पार्टिकल, कोई भी गतिमान पार्टिकल या गतिमान कण जिसकी क्या हो, स्थितिज ऊर्जा या फिर आप कह सकते हो विराम द्रव्यमान अवस्था में उसकी जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कह सकते हो, या फिर उसकी द्रव्यमान ऊर्जा तथा दूसरी कौन सी ऊर्जा, गतिशील गति के कारण जो उसकी कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है। तो टोटली दो प्रकार की एनर्जी, एक तो द्रव्यमान ऊर्जा और दूसरी कौन सी, गतिज ऊर्जा। अगर किसी भी कण, कोई भी गतिमान कण जो है उसकी द्रव्यमान ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा में क्या होता है, अंतर बहुत ही कम हो या फिर उसका बीच में जो अंतर है वो कैसा मान्य अंतर हो, जैसे कि मान लो कि एक के पास वो एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है और उसकी द्रव्यमान ऊर्जा जो है वो क्या है, 938 या फिर 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इन दोनों ऊर्जाओं के बीच में अंतर तो बहुत ज्यादा है, परंतु यह ऊर्जा इस ऊर्जा की तुलना में नगण्य नहीं है। नगण्य क्यों नहीं है, तो इसके पास में क्या कुछ तो वैल्यू है जो इसके कंपेयर में है, इनके बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है, इसको जीरो नहीं, इस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम इन दोनों की तुलना में नगण्य नहीं मान सकते। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कौन से फॉर्मूले का यूज किया जाएगा, उस कंडीशन के अंदर जब इनके बीच में अंतर का मान ज्यादा ना हो, तो थोड़ा हो परंतु इतना भी ज्यादा नहीं कि जिस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एक ऊर्जा को नगण्य माने, तो उस कंडीशन में जो है हम किस सूत्र का यूज करते हैं, वो हम इस सूत्र का यूज करते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन सा, कोई भी गतिमान जो कण है उसकी स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, विरामावस्था में क्या कह सकते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा भी कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा में अंतर क्या होता है, कम होता है, तो भी उस पार्टिकल या उस कण के लिए, तो उस कण के लिए, तो उस कण के लिए डी ब्रोगली, उस कण के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कौन से सूत्र से निकालेंगे,
डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य इक्वेशन नंबर टू से निकाली जाती है, इक्वेशन नंबर टू से निकाली जाती है। ये आपको इसके अंदर एक ध्यान रखना है। फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, जब ऊर्जा का अंतर कैसा हो, ऊर्जा का अंतर न मतलब ऊर्जा के दोनों ऊर्जाओं के बीच में या दोनों ऊर्जाओं की वैल्यू मान्य हो, या फिर ये कह सकते हैं कि उन दोनों में से कोई भी एक ऊर्जा नगण्य ना हो, या दोनों के बीच में अंतर बहुत कम हो, या फिर ये कह सकते हो तो पहली वाली ऊर्जा दूसरी वाली ऊर्जा के सापेक्ष, या फिर दूसरी वाली ऊर्जा पहली वाली ऊर्जा के सापेक्ष नगण्य नहीं होती है, तो उस कंडीशन में वैसे पार्टिकल के लिए अगर डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को ज्ञात करना है तो हमें कौन सी समीकरण का यूज करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर टू का यूज करना पड़ता है। ये तो कौन सी होगी, फर्स्ट कंडीशन होगी। अब इसी प्रकार से केस नंबर टू, केस नंबर टू क्या होगा कि अगर मान लो कि कोई भी पार्टिकल हाँ ये लेस देन एम सी स्क्वायर नहीं है इस कंडीशन में स्वरूप भाटी, इसके अंदर स्वरूप ये है कि दोनों ऊर्जाओं के अंदर ये हो सकता है कि दोनों ऊर्जा में के लेस देन वेरी वेरी लेस देन एम सी स्क्वायर नहीं है, ये नहीं कह सकते कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम है एम सी स्क्वायर से, ये हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी और द्रव्यमान ऊर्जा में अंतर बहुत कम है, ज्यादा अंतर नहीं है, तो उस कंडीशन में उस फॉर्मूले का, इस सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। थर्ड कंडीशन ये है कि k इज वेरी वेरी लेस देन mc स्क्वायर हो जाए, या फिर ये कह सकते हो कि दोनों ही ऊर्जा में क्या हो जाए, दोनों ही ऊर्जा में अंतर बहुत अधिक हो, दोनों ही ऊर्जा में अंतर बहुत अधिक हो, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए इक्वेशन नंबर एक का उपयोग करते हैं। ये आपको इस अंदर ध्यान रखना है। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, द्रव्यमान ऊर्जा जो है वो तो हमेशा नियत रहेगी, कोई भी पार्टिकल ले लो, क्योंकि उसका द्रव्यमान कभी भी बदलेगा नहीं, तो हमें क्या करना है, बस चेक क्या करना है कि द्रव्यमान ऊर्जा कोई भी पार्टिकल जैसे प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया या न्यूट्रॉन हो गया, तो उस कंडीशन में आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है 938, और न्यूट्रॉन का 939, तो ये वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी। लेकिन जो पार्टिकल मान लो कि कोई भी क्वेश्चन में देगा तो उस प्रकार से देगा कि कोई भी प्रोटॉन है जिसकी ऊर्जा 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उस कंडीशन में उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या कीजिए, अगर 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया तो वो क्या होगा, इस 938 की तुलना में नगण्य थोड़ी नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो वहीं पे बोल दे कि 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई भी प्रोटॉन है जो कि क्या कर रहा है, गति 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गति ऊर्जा के साथ में गति कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी ऊर्जा को ज्ञात कीजिए, तो उस कंडीशन में ये ऊर्जा तो क्या बहुत कम है 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तुलना में, तो उस कंडीशन में ओनली फॉर कौन से फॉर्मूले का यूज करना है, इस पहले वाले फॉर्मूले का यूज करना। तो दो कंडीशन है, एक तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, और ये दो फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूलों का दो कंडीशन है, कब कब इनका यूज किया जाता है, तो वो हम लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। अब इसके ऊपर आधारित दो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, तो उससे क्या है कि ये दो कंडीशन है भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है इसका, वो क्या है, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन के संगत तरंग की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य
ज्ञात कीजिए। डी भौगोलिक तरंग दैर्ध्य की तरंग दैर्ध्य का क्या मान होगा वो हमें इसके अंदर ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए जो ये एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन है वो क्या है, इसकी गतिज ऊर्जा है। ये क्या है, इसकी गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे ई डॉट के ऑफ पी का मान क्या है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो प्रोटॉन जो होता है उसकी द्रव्यमान ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसकी द्रव्यमान ऊर्जा 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। सर 938 में 900 ठीक है, तो ये इसकी ऊर्जा होती है 938.6 के करीब होती है। तो अप्रोक्सीमेट करके 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं। तो आप देखिए इन दो ऊर्जाओं में, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और इस 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या है, आप लोगों के डिफरेंस बहुत ही ज्यादा, या फिर ये कह सकते हो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, बहुत ही ज्यादा। या फिर ये कह सकते हो ई ऑफ के पी इज वेरी वेरी लेस देन ए कैट एम नॉट सी स्क्वायर ऑफ प्रोटॉन। यह ऊर्जा या फिर ये जो काइनेटिक एनर्जी है जब क्या हो जाती है, द्रव्यमान ऊर्जा से बहुत ही कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य उसका मान क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा बराबर, लैम्ब्डा ऑफ बीपी बराबर क्या आ जाएगा, या फिर लैम्ब्डा ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन रूट टू एम ऑफ ई के डॉट पी। यहाँ पे एम नॉट का मान क्या हो जाएगा, 1.67 × 10⁻²⁷ के जी। ई के पी का मान क्या हो जाएगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एच का मान जो होता है वो क्या होता है, 6.62 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड होता है। ठीक है, इस मान को अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो क्या वैल्यू प्राप्त होती है वो हमें याद करना है। अब इस ई के पी को हम किसके रूप में, जूल के रूप में रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो आती है वो क्या होती है, 1.6 × 10⁻³⁷ जूल के बराबर होती है। ई के पी या फिर काइनेटिक एनर्जी को जूल के रूप में लिखेंगे तो वो मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻³⁷ जूल के बराबर होता है। क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ई का मान रखेंगे तो वो लगभग क्या आ जाएगा, ई का मान 1.6 × 10⁻⁹⁹ और इंटू करेंगे 10⁶ से तो −13 हो जाएगा। अब इसके अंदर मान रखते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, तो लैम्ब्डा बराबर क्या है, लैम्ब्डा ऑफ पी बराबर 6.62 × 10⁻³⁴ अपॉन रूट 2 × 1.67 × 10⁻²⁷ इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1.6 × 10⁻³⁹। ठीक है, −13 इस वजह से क्या आ जाएगा, 6.62 × 10⁻³⁴ अपॉन रूट 2 × 1.6 × 1.67 × 10⁻²⁰। यहाँ से लैम्ब्डा ऑफ पी बराबर क्या आ जाएगा, 6.62 × 10⁻¹⁴ अपॉन रूट में 2 × 1.67 × 1.6। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए तो इसका डिवीजन करने पे जो वैल्यू आती है वो लगभग क्या आती है, लैम्ब्डा ऑफ पी बराबर क्या आता है, 2.87 × 10⁻¹⁴ एंगस्ट्रॉम। लैम्ब्डा ऑफ पी बराबर क्या लिख सकते हैं, मीटर, यहाँ पे 2.87 × 10⁻¹⁴। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगी, इस प्रोटॉन जिसका द्रव्यमान कितना होता है, 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
तथा उसकी गतिज ऊर्जा क्या दी हुई है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है, तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले का यूज करके उसकी जब डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ निकालते हैं तो उसका मान क्या आता है, 2.87 × 10⁻⁴ फॉर एंगस्ट्रॉम, या फिर आप ये कह सकते हो 0.00027 एंगस्ट्रॉम, मतलब बहुत ही उस तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, बहुत ही छोटी होगी। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। जब तरंग दैर्ध्य बहुत कम है तो उस कंडीशन में आपको मालूम होगा कि जो भी तरंग किसी पदार्थ के ऊपर जिसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम है तो इसका मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी अधिक होगी, आवर्ती अधिक होगी। तो आवर्ति अधिक होगी क्योंकि लैम्ब्डा जो होता है वो क्या होता है, 1/μ, जब लैम्ब्डा 1/μ तो लैम्ब्डा का मान कम हो रहा है तो इसका मतलब म्यू का मान अधिक है, म्यू का मान अधिक है तो इस तरंग की आप ये कह सकते हो या इस तरंग के अंदर जो फोटोन होंगे उसकी फ्रिक्वेंसी अधिक होगी या उस फोटोन की ऊर्जा eh-μ का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? मुकेश स्वरूप है, मुकेश को प्रॉब्लम है, हाथ खड़ा कर रहा है, इसका मतलब हाथ खड़ा कर रहा है तो इसका मतलब पक्की प्रॉब्लम होगी। सेकेंड क्वेश्चन है, सौ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी दी हुई है, ई ऑफ के ई, वो दी हुई है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इसकी जो रेस्ट मास एनर्जी होती है वो क्या होती है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ठीक है ना, जब ये वैल्यू हमें इतनी मिल रही है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसको किलो वोल्ट में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब यहां पे देखो ई ऑफ के ई वो लेस देन ऑफ m03² ई है, परंतु यहां पे आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकते, 411 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, पर इतना ज्यादा नहीं जितना आपने क्या देखा था, उस प्रोटॉन वाले क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ पे क्या है, ये 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो क्या है, इस 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुलना में नगण्य नहीं होगा, तो उस कंडीशन में जो डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य है उसका मान क्या हो जाएगा, या डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य जो है उसका सूत्र क्या होता है, डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य जो होती है वो क्या होती है, लैम्ब्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर hc/pc बराबर hc/√k कोष्टक में k+2m0c² के बराबर। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या करना है, इन मान को रखना है, तो उस कंडीशन में जब ये जो वैल्यू हमने रखी है उस वैल्यू को रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वैल्यू के बारे में भी हमें पता चल जाएगा। यहां से देखिए Hc का मान क्या हो जाएगा, 16.62 × 10⁻¹⁴ × 1.6 × 10⁻¹⁹. ठीक है, अब इस मान के अंदर
जिसकी वैल्यू आती है वो क्या होती है, 1.234, 1.240, सॉरी 240 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर, इसके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर के बराबर एच सी की वैल्यू है। अब इस एच सी की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो लैम्बडा ऑफ ई है वो क्या आ जाएगा, 1.243 × 10⁻⁶ अपॉन रूट के का मान कितना है, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस कोष्टक में क्या है, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 511 × 2 × 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। ठीक है, लैम्बडा ऑफ ई बराबर 1.243 × 10⁻⁶ अपॉन रूट में क्या आ जाएगा, 10⁵ कोष्ठक में 10⁵ प्लस 2 × 5.11 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, यहाँ से लैम्बडा ऑफ ई बराबर क्या आ जाएगा, 1.243 × 10⁻⁶ अपॉन 10⁵ रूट में क्या रहेगा, 1 + 2 × 5.11। ठीक है, जिसका मान क्या होता है, 1.243 × 10⁻⁶ अपॉन 10⁵ रूट ऑफ 11.25। ठीक, यहां से जो ये लैम्बडा ऑफ ई है इसका मान कितना प्राप्त होगा, 0.037 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए इसकी वेवलेंथ जो हमने अभी एक मेगा इलेक्ट्रॉन वाले क्या निकाली थी, प्रोटॉन से निकाली थी, उससे क्या इसकी वेवलेंथ क्या है, थोड़ी सी अधिक है। इसकी वेवलेंथ उससे थोड़ी सी अधिक है तो इसका मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का पुंज हम किसी भी पदार्थ के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी, या उस तरंग के अंदर जो फोटोन होगा, या फिर उस तरंग के अंदर जो जिन जो इस पुंज के रूप में या इस इलेक्ट्रॉन पुंज के रूप में जो तरंग उत्पन्न होगी उसके अंदर अलग अलग पार्टिकल्स के रूप में जो कण होंगे उनकी ऊर्जा जो होगी उस प्रोटोन वाले पार्टिकल के अंदर, या प्रोटोन की तरंग के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनकी ऊर्जा में, ऊर्जा की तुलना में क्या होगी, इसकी ऊर्जा कम होगी। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। आप लोगों को इतना सीधे से ये ध्यान रखना है कि वेवलेंथ जिसकी कम है उसकी, उसके अंदर जो भी प्रोटॉन या उसके अंदर जो भी पार्टिकल होंगे उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, प्लैंक के नियम से अधिक होगी, और जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक है उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है।